नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बची हुई रोटी से नाश्ता। ये बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें। चलो चलते हैं बची हुई रोटी से नाश्ता बनाने। बची हुई रोटी से नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये दो रोटी ले ली है, सुबह की बची हुई थी। तो अब शाम को आपको भूख लगती है तो हल्की हल्की भूख के लिए आप इसे बना के खा सकते हो। तो मैंने दो घी लगी हुई रोटी ली है, बिना घी की रोटी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ली है इसके लिए थोड़ी सी वेजिटेबल में मैंने लिए एक प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक टमाटर लिया है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। कुछ धनिया पत्ता लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च ली थी, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। मैंने लिया थोड़ा सा बेसन, तो इसका हम पतला सा एक घोल बना लेंगे। तो इसमें पहले हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही नमक जो हमें देख के डालना है, उसके ऊपर रोटी के ऊपर लगाना है मैंने ये पेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे हम। और इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला सा एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना क्योंकि हमें रोटी के ऊपर लगाना है इसको, तो रोटी के ऊपर ये आराम से लग जाए। उसके हिसाब से हमें इसका एक घोल बना के तैयार कर लेना है। पानी के साथ ज़्यादा मत डालना क्योंकि ये पतला हो जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो पानी आप थोड़ा धीरे धीरे डाल के इसका एक घोल बना के तैयार कर लेना। और ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी और बन भी बहुत आसानी से जाती है। इसे बनाने में 5 मिनट लगेंगी, बस 5 मिनट बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हमारा घोल भी बन के तैयार हो गया। घोल को आप ज़्यादा पतला ना करें, इसकी देख लें कि ये मतलब रोटी पे आराम से लग जाए, उस तरह से आप इसे बना के तैयार कर लें। तो अब इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही हमें घोल बना के तैयार करना है। अब इसे रख देते हैं साइड से। अब एक बर्तन ले लेते हैं खाली। अब इसमें हम जितनी हमने सब्जियां काट के रखी थी उन्हें एक बर्तन में ऐड कर देते हैं सबको, और इसमें मसाले डाल के इसका भी एक अच्छा सा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। सारी हरी मिर्च वगैरह सब इसमें मैंने डाल ली हैं। अब इसमें डालूँगी मैं चिली फ्लेक्स, तो अगर आप चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं नमक, और इन सबको डाल के इसको अच्छे से मिला के रख दूंगी। नमक आप देख के मिला, क्योंकि आपने बेसन में भी नमक डाला है और आटे में से आप रोटी बनाई थी उसमें भी आप नमक होता ही है, तो उसके हिसाब से आप नमक अपना देख के यूज़ करें, ज़्यादा ना हो जाए जैसे आप खाते उस तरह से। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने कढ़ाई रख दी थी तो ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। तब हम रोटियां जो ली थी इनको हम 4 पीसों में काट लेते हैं। इसके आप छोटे छोटे 4 पीस बना सकते हो, जैसे आपको जैसी शेप देनी है आप उस हिसाब से इसे काट सकते हो, छोटा बड़ा। लेकिन ये शेप इसकी सही है। पूरी रोटी एक तोड़ो बनाओगे सेक के तो उसमें तोड़ने में सेकने में दिक्कत आएगी, तो आप इस तरह से छोटे टुकड़ों में इसे कर लें। उसके बाद इस पर पेस्ट लगा के इसे सेकना है हमें। तो ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है तो हम चलते हैं रोटी को सेकने के लिए। रोटी को सेकने से पहले हमने जो पेस्ट बनाया था उसको हम रोटी के जो हमने टुकड़े किए हैं उस पर लगा के और उसको सेकना है। मीडियम फ्लेम पे सेकना है, गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे तो बेसन थोड़ा कच्चा रह जाएगा हमारा। तो इसमें हम सारे इस तरह से पेस्ट लगा के सारी रोटी के टुकड़ों को सेक लेते हैं। तो ये रेसिपी बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब इस तरह से हम सारे डाल के इसमें सेक लेंगे और इन्हें पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेना है। देखो कितने क्रिस्पी हो गए हैं, तो इस तरह से पलट के इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है एकदम क्रिस्पी होने तक। गैस का फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, जल्दी जल जाएंगे ये तो बेसन कच्चा रह जाएगा। तो उसको आप उस चीज़ को देखते हो। आप देखो हमारे इतने अच्छे सिक्के तैयार हो गए, तो इनको हम गैस में निकाल लेते हैं और दूसरे जो रोटी थी उसके भी पेस्ट लगा के सर डाल देते हैं। अब चलते हैं प्लेट लगाने के लिए। प्लेट लगाने के हमने ये चारों पीसों को एक प्लेट पे लगा लिया है और इसके ऊपर डालेंगे हम जो हमने मसाला बना के तैयार किया था सब्जियों का, तो उसको इसके ऊपर रख देते हैं थोड़ा थोड़ा। आप इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है तो। आप सब्जियाँ और ज़्यादा ऐड करना चाहते हो, शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन अब ये तो बस इतनी नॉर्मल चीज़ से मैंने बना के तैयार किया, क्योंकि ये चीज़ हर घर में हर टाइम अवेलेबल होती है, तो इस समय इन चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। आप खीरा, शिमला मिर्च, गाजर किसी सब्जी का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर पहले मसाले में भी ऐड कर सकते हो, मैंने ऊपर से डाला है इसमें। अब इसके ऊपर हम सेव भुजिया डाल देंगे इसमें,
उसको डाल के अब चलते हैं सर्व करने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, एक बार आप जरूर इसे बना के ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।